साथ में हमारे माननीय प्रधान महोदय जी, अमरीश भाई जी, देवांश श्रीवास्तव जी और हमारे साथी मौर्य जी, मैं आप सभी को बहुत ही हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे लिए आप लोगों ने इतना अमूल्य समय अपना निकाला। इसके लिए आप लोग उसके हमारे आशीर्वाद के आभारी नहीं हैं, आप उस पार्टी के आभारी हैं कि पार्टी आपके लिए आभार व्यक्त करती कि आपने उनको समय दिया। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सूरज निकला है, बहुत सी किरण फैलाई हुई है ना, सूरज एक सूरज है, लेकिन क्या एक सूरज आपने कभी अनुमान लगाया कि वो सूरज क्या है, कि इतना प्रकाशवान है कि किसी परेशानी को नहीं दबा सकती है। तो मैं खासकर ये पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, वो सूरज ही है, लेकिन हम उसके सामने परछाई है। परछाई अपने आप को इमेजिन कीजिए कि हम परछाई के समान है, जैसे क्या है कि उसके सामने हम आएंगे तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ हमारा एक दूसरे के साथ रहेगा, सहयोग रहेगा, तो उस सहयोग के हिसाब से हम एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं। और साथ में पार्टी में आप जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। और साथ में कि जितनी भी नई पार्टी है, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी, देखो कितनी पीछे चली गई, सबसे पुरानी पार्टी है, हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब से कांग्रेस अधिवेशन का पूरा गढ़ हो गया था, कांग्रेस अधिवेशन का गठन हुआ, कांग्रेस के तमाम प्रकार के दल का गठन हुआ और पार्टी चल रही थी, है ना। और आने वाले 10 साल पहले में पार्टी क्या थी कि 10 साल पीछे हिस्से में देखा जाए तो पार्टी कुछ नहीं थी कांग्रेस पार्टी, और उससे पीछे देखा जाए तो बहुत कुछ थी पार्टी। 10 साल से उससे भाजपा का गवर्नमेंट आया, उससे पार्टी बहुत आगे नहीं जा चुकी, और वही स्थिति है। और आजकल क्या है कि युवाओं को अधिक लोग पसंद करते हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी जो हमारे यहाँ पे है आजकल, आपको बता रहे कि GDP जो है इतनी नीचे जा रही दर, और उसके बाद जो कल नया बजट लागू हुआ, युवाओं के लिए कोई बजट नहीं है। आपको पता है कि उन्होंने शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए जितने भी बजट दिए वो हर एक दूसरे कंट्री से बहुत ही कम है। हमारे यहाँ से जो भी बजट कल पारित हुआ उससे कम से कम 80% या 20-25% के आसपास अमेरिका का है, और दूसरे देश जो भी हैं पाकिस्तान का तो शायद लगभग बराबर ही है। अब बताइए कि यहाँ पे हमारी सरकार है, मतलब हमारी क्या, हम लोग भी BJP से जुड़े थे, पहले मैं भी BJP से जुड़ा था, तो मैं जब इस पार्टी में आया तो जब हमारा कहने मतलब सीधे कि हम कब तक उसके पीछे लेके जय हो करते रहेंगे, कब तक झंडा उठा के चले, ना कि हमारा कुछ होने वाला है ना सुनने वाला है। और लेकिन मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि आपका कोई भी जिले लेवल का या पूरे उत्तर प्रदेश लेवल का कोई भी काम फंसेगा तो हमारे लेवल का ये होगा तो हम काम करवा देंगे, कोई भी काम हो चाहे जो। और